तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पुली फ्रिक्शन। पुली फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे आज। इसमें क्या हो रहा है, ये एक पुली है, इसके ऊपर से एक बेल्ट गई है। T1 और T2 टेंशन है, तो T1 को हमने T2 से ग्रेटर माना है, तो मोशन इस साइड हुआ। तो हमने मतलब T1 को T2 से ग्रेटर माना है, ये बेल्ट को इस साइड ले जाने की कोशिश करेगा। तो जो पुली है वो बेल्ट पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, ये स्मॉल एलिमेंट, और हमने माना कि इसके जस्ट इस साइड T+DT टेंशन है, T+DT और उस साइड है T, और ये एंगल हमने पूरा माना है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा D थीटा है। तो दोनों साइड जो है ये D थीटा/2 और D थीटा/2 हो जाएगा। तो इस लाइन का एंगल वर्टिकल से अगर D थीटा/2 है, तो उसके नॉर्मल का जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा D थीटा/2। वो नॉर्मल इसलिए क्योंकि टेंजेंट है, और जो ये है ये रेडियस है एक सर्कल का, जो आर्क है ये सर्कल का सेंटर है, तो ये रेडियस होगी। रेडियस का टेंजेंट से एंगल 90 होता है, तो ये एंगल अगर ½ D थीटा/2 है, तो वो एंगल भी D थीटा/2, इधर भी ऐसे। तो इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे, इधर से क्या होगा, इधर से जो पुली है बेल्ट पर ऐसे ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर को खींचेगा, तो इधर से फ्रिक्शन उल्टा आएगा। और स्टैटिक कोफिशियंट इसलिए लिया है क्योंकि मैंने माना है कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है बेल्ट और पुली के बीच में, मतलब बेल्ट जिस स्पीड से जा रही है उससे ही पुली भी जाएगी, तो नो रिलेटिव मोशन वाली कंडीशन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन उनके बीच में तो है नहीं कोई, रिलेटिव मोशन जीरो है क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं और सेम टाइप से जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन नहीं लिया। अब देखो, अब पहले वर्टिकल पर लगा दिया, जो n होगा वो हो जाएगा T+DT sin D थीटा/2 + T sin D थीटा/2, ये लगाया। तो हमने इसे DT जो है, अगर स्मॉल एंगल होता है डी थीटा स्मॉल एंगल है, तो sin D थीटा/2 = D थीटा/2 हो जाएगा। तो उसे जब इंटू करेंगे अंदर, तो T D थीटा/2 आएगा, और DT × D थीटा/2 ये तो जीरो हो जाएगा, दो स्मॉल टर्म आ गई। ऐसी इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा T × D थीटा, ये आप देख लेना, मतलब क्योंकि साइन और स्मॉल एंगल जो है एंगल ही बन जाता है अगर एंगल tends to 0 है। अब हमने लगा दी हॉरिजॉन्टल पर कंडीशन, जो ये इसका कॉस कंपोनेंट है वो है इसका कॉस कंपोनेंट +μsn, ये लगा दिया यहाँ से, या फिर ये −μsn = इसका कॉस कंपोनेंट, तो कॉस स्मॉल एंगल 1 हो जाता है, तो वो हट गया। वहाँ से हमारा आ गया DT = μs × T D थीटा। तो अब क्या, अगर हमने DT/T साइड ले गए, μs d थीटा ले लिया, और टेंशन जो है जा रही है T2 से T1, इस साइड स्मॉल टेंशन से ग्रेटर टेंशन की ओर लिमिट लगा दी, T2 से T1 जा रही है टेंशन, मतलब हमने मोशन की डायरेक्शन में देखा ऐसे जा रही थी बेल्ट, तो T2 से T1, तो 0 से थीटा हो गए, क्योंकि 0 से मान लो उसका एंगल थीटा बनेगा, तो थीटा जो एंगल है वो T2 और T1 के बीच का जो एंगल है वो आता है, मतलब जहाँ से टेंजेंट T2 की जा रही है वहाँ से टेंजेंट T1 की जा रही है, दोनों को सेंटर से ज्वाइन करना है, वो एंगल हो जाएगा थीटा। ln T1/T2 = μs × थीटा, तो T1/T2 = e^(μs θ), ये डेरिवेशन है। T1/T2 = e^(μs θ), इसमें T1 ग्रेटर साइड टेंशन है, T2 स्मॉल साइड टेंशन है, और ये पूरा डेरिवेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुली में फ्रिक्शन गिवन हो तो सेम टेंशन नहीं होती, दोनों साइड टेंशन मतलब डिफरेंट हो जाती है। अगर फ्रिक्शन लेस पुली है तो टेंशन सेम हो जाएगी, क्योंकि μs को आप 0 मान सकते हो, फ्रिक्शन लेस है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा μ, तो T1 = T2 आ जाएगा। थैंक यू।